सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज इंटरनल, मतलब जो हमारा ओवर वोल्टेज होता है उसका दूसरा प्रकार देते इंटरनल ओवर वोल्टेज। ठीक है, इंटरनल ओवर वोल्टेज क्या होते हैं? ये जैसे कि हमने एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज में देखा था कि जब एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस की वजह से अगर किसी भी प्रकार का वोल्टेज में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसको बोलते हैं क्या, हम लोग उसको एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज के कारण से ओवर वोल्टेज हमारे सिस्टम में ऑफर हो रहा है बोलते हैं। अगर हम इंटरनल ओवर वोल्टेज की बात करें तो इंटरनल ओवर वोल्टेजेस आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन द ऑपरेटिंग कंडीशंस में जब किसी भी प्रकार की चेंज या डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द नेटवर्क, अगर हमारे नेटवर्क में किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग कंडीशन में बदलाव आता है तो उस टाइप के हम लोग ओवर वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ओवर वोल्टेजेस। अब देखिए, ये जो इंटरनल ओवर वोल्टेजेस भी है ये भी बेसिकली दो टाइप से डिवाइडेड है। तो पहला जो प्रकार है वो है स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस। ठीक है, और इसी को हम लोग ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, और ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग कि स्विचिंग ओवर वोल्टेज या ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी क्या होती है। दिस ओवर वोल्टेजेस, ये जो ओवर वोल्टेजेस हैं, ये किसी भी प्रकार के ट्रांजिएंट फिनोमिना अगर नेटवर्क के चेंज में ऑकर होता है, ठीक है, जैसे कि स्विचिंग ऑपरेशन की वजह से या फॉल्ट कंडीशंस की वजह से, तो उस टाइप के ओवर वोल्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस। ये जो ओवर वोल्टेजेस हैं ये ऑसिलेटरी होते हैं और एक डैम्प साइनसॉइड का फॉर्म लेते हैं। देखिए, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दिस ओवर वोल्टेजेस, ये जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं गाइस, दिस ओवर वोल्टेजेस आर कॉज्ड बाय, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉज्ड बाय द ट्रांजिएंट फिनोमिना, विच अपीयर when the state of the network is changed by switching operation और फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, तो ये जो हमारे ओवर वोल्टेज है ये क्यों ऑकर होता है, ये ट्रांजिएंट फिनोमिना की वजह से ये कॉज होता है। और ये जो ट्रांजिएंट फिनोमिना है ये कहाँ पर होती है, ये अपीयर होती है जब हमारा नेटवर्क का जो स्टेट है वो चेंज होता है स्विचिंग ऑपरेशन या फॉल्ट कंडीशन की वजह से। ये जो ओवर वोल्टेजेस हैं ये ऑसिलेटरी होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, डैम्प हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गाइस, ये ट्रांजिएंट होते हैं, ये साइनसोइडल फॉर्म में होते हैं और ये डैम्प हो जाते हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी है वो
इसकी जो रेंज है ये फ्यू हंड्रेड हंड्रेड हर्ट से टू एक फ्यू किलो हर्ट्ज तक की होती है, और इसमें इनहेरेंट कैपेसिटेंसेस और इंडक्टेंसेस सर्किट में ऑकर होते हैं। अब इसको समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि स्विचिंग, हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को चालू या जब बंद कर रहे हैं तो स्विचिंग, तो उस समय जो ओवर वोल्टेज ऑकर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज। अब उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग किसी भी प्रकार के हाई वोल्टेज रिएक्टर को स्विच करते हैं या ट्रांसफार्मर को स्विच करते हैं नो लोड में, ठीक है, तो उस वजह से एक ओवर वोल्टेज ऑकर होता है जो कि ट्रांजिएंट नेचर का होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझिए, जब हम लोग किसी भी हाई वोल्टेज रिएक्टर या ट्रांसफार्मर को नो लोड में स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो ओवर वोल्टेज ऑकर होता है वो है ट्रांजिएंट नेचर का होता है। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, अगर किसी प्रकार का ओवर वोल्टेज किसी प्रकार के फेज में अगर फॉल्ट आता है तो जो वोल्टेज है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बाकी दोनों फेजेस का वो नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करना चालू हो जाता है। कब तक एक्सीड करना चालू हो जाता है? जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होता या जब तक सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन नहीं हो जाते और फॉल्ट का क्लियरेंस नहीं हो जाता, ठीक है। और ये कब होता है? जब तक डी स्ट्राइकिंग ओवर वोल्टेज जो है वो कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस ऑकर नहीं होता, ठीक है। और ये जो डी स्ट्राइकिंग ओवर वोल्टेज होता है ये हाई एम्पलीट्यूड का होता है जो कि सिस्टम के वोल्टेज से दो गुना हो सकता है। तो इसी कारण से ये जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज है, ट्रांजिएंट वोल्टेज है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है गाइस, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज दी स्विचिंग ओवर वोल्टेज या ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज। इसके एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखे? हमने देखा जब व्हेन स्विचिंग हाई वोल्टेज रिएक्टर्स और स्विचिंग ट्रांसफॉर्मर्स ऑन नो लोड के समय जब हम उनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर रहे हैं तो जो ओवर वोल्टेज ऑकर होता है वो ट्रांजिएंट नेचर का। हमारा दूसरा एग्जांपल था जब किसी एक आर वाई बी फेज में फॉल्ट अगर इसमें ऑकर होता है तो जो बचे दो फेसेस हैं इसमें हाई वोल्टेज ऑकर होता है, ठीक है। और ये कब तक ऑकर होता है? जब तक ये जो फॉल्ट है ये क्लियर नहीं करते हैं। जैसे ही क्लियर करेंगे वैसे ही हमारा जो लाइन है वो वापस नए वोल्टेज में आ जाएगा और हमारी लाइन जो है या जो फेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर हो जाएंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरनल ओवर वोल्टेज, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरे टाइप का इंटरनल ओवर वोल्टेज है हम लोग उसको देखेंगे। जो दूसरे टाइप का इंटरनल ओवर वोल्टेज है वो है हमारा, इसको बोलते हैं टेम्पररी ओवर वोल्टेज, या हम लोग एट टाइम्स उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टेम्पररी ओवर वोल्टेज या स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज। अब ये जो ओवर वोल्टेज होता है ये ओवर वोल्टेज पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी
में ऑफर होता है। स्टेडी स्टेट ये स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज है जो कि पावर सिस्टम की फ्रिक्वेंसी में ऑफर होता है। और ये इसका एंडिंग क्या होता है, जब तक हम लोग लोड को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। जनरली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स केस में ये ओवर वोल्टेज ऑफर होता है। ये जो ओवर वोल्टेज है, दिस ओवर वोल्टेज इज आर स्टेडी स्टेट वोल्टेजेस ऑफ पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी विच में विच रिजल्ट फ्रॉम द डिसकनेक्शन ऑफ लोड पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स के में ये जो है हमारा स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज जो है इंटरनल ओवर वोल्टेज वो ऑफर होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज है या टेम्पररी ओवर वोल्टेज है, ये ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज जो होता है वो पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज फैक्टर से असेस किया जाता है। क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एज द रेशियो ऑफ पीक ऑफ ओवर वोल्टेज टू द रेटेड पीक फ्रीक्वेंसी सिस्टम। दिस रेशियो इज ऑल्सो रिफर्ड एज एम्पलीट्यूड फैक्टर। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एम्पलीट्यूड फैक्टर क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड फैक्टर क्या होता है, एम्पलीट्यूड फैक्टर जो है ये एक रेशियो है फैक्टर, ये इज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो, इज द रेशियो ऑफ पीक ओवर वोल्टेज, पीक ओवर वोल्टेज इज, ठीक है, टू दी रेटेड पीक सिस्टम फ्रीक्वेंसी फेज वोल्टेज। ठीक है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड फैक्टर भी हम लोग कहते हैं। अब ये जो ये तो बात हो गई कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेजेस, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज, इंटरनल ओवर वोल्टेज। इंटरनल ओवर वोल्टेजेस के हमने दो प्रकार भी देख लिए, एक है हम लोग बोलते हैं उसको स्विचिंग ओवर वोल्टेज या ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज जो कि हाई फ्रिक्वेंसी में ऑफर होता है, और लोअर फ्रिक्वेंसी में क्या ऑफर होता है हमारा, स्टडी स्टेट और ओवर वोल्टेज या टेम्पररी ओवर वोल्टेज हम लोग इसको कहते हैं। अब देखिए इनका जो एग्जामिनेशन है ओवर वोल्टेजेस का पावर सिस्टम में, इसमें हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के, उसके शेप को, उसके ड्यूरेशन को, उसके फ्रिक्वेंसी को जो ऑफर होता है उसके ऊपर सारी चीज़ों को हम निर्भर करते हैं। ये जो स्टडी है ये कैसे परफॉर्म की जाएगी, शुड यू प्रिफर नॉट ओनली एट द पॉइंट वेयर द ओवर वोल्टेज ओरिजिनेट्स बट ऑल्सो एट ऑल अदर पॉइंट्स अलोंग ट्रांसमिशन नेटवर्क थ्रू विच द सर्जेस में ट्रेवल। इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट टू नो दैट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस ओवर वोल्टेज, सो सुटेबल प्रोटेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। हम लोग इसको अगर प्रॉपर रखना है तो हम लोग को प्रॉपरली चीज़ों का एग्जामिन करके सुटेबल प्रोटेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना ही होगा, तभी जाके ये सिस्टम में क्या होगा, मैनेज कर पाएगा। सो थैंक यू एवरीवन,
ये हमारा हो जाता है टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेजेस या कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस का टॉपिक. थैंक यू.